हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनियस अकेडमी थर्टींथ फेब्री की क्विज का सोलूशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द इज ऑफ अ ट्राइंगल यदि है ट्राइंगल एंडम सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल तो आपको पता है कि जो सकम सेंटर होता है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ द हाईपोर्टिन्यूस क्लियर और अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालू देन वी नो दैट मिड पॉइंट फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब सिक्स प्लस जीरो डिवाइड बाय टू ओवर वाई वन प्लस वाई टू जीरो प्लस सिक्स बाय टू कलियर ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला तो कितना आ गया ये थ्री और कॉमा थ्री तो सेंट्रोइड कितने आगे सेंटर कितना आ गया, आ गया आपका थ्री कॉमा थ्री एंड फिर निकालना है आपको सेंट्रोइड और सेंट्रॉयड आपको पता होगा सेंट्रॉइड क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ओवर थ्री वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री तो ओवर थ्री तो ये है आपके एक्स वन बाय वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री तो ये पॉइंट्स की वैल्यू ये पॉइंट्स डाल देते हैं तो सेंट्रोइड आपका निकल जाएगा एक है आपके पास सिक्स प्लस सिक्स प्लस जीरो डिवाइड बाय थ्री एंड दूसरा है सिक्स प्लस जीरो प्लस सिक्स डिवाइड बाय थ्री तो ये ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व बाय थ्री कितना होता है फोर कॉमा फोर तो आपको क्या पूछा है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर का डिस्टेंस निकालना है तो इजी है डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन ये था एक था सेंट्रोइड के जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है फोर फोर और सर्कम सेंटर के थ्री थ्री तो एक्स टू माइनस एक्स वन फोर माइनस थ्री वन का स्क्वायर एंड नेक्स्ट फोर माइनस वाई टू माइनस वाई वन तो ये भी फोर माइनस थ्री है तो दैट मीन्स वन का स्क्वायर तो फाइनल कितना आ गया रूट टू तो फाइनल आंसर इज रूट टू क्लियर है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये दी है आपके पास विनो दैट टू केसेस है अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो जाएगा आपका दिस क्लियर इक्वल टू जीरो अब आपको बताए स्प्लिटिंग करनी यहाँ पे तो टू वनजार टू और थ्री चाहिए तो दोनों में माइनस लगा दो डिवाइड बाई वन फाइनल एक्स इज टू एंड वन सिमिलरली है वेन एक्स लेस देन जीरो और पहला केस था एक्स ग्रेटर देन जीरो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्स थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो सेम हेयर आपको क्या करनी है स्प्लिटिंग करनी है तो so स्प्लिटिंग के लिए टू वनजा टू प्लस और दोनों में प्लस ही होगा तब प्लस थ्री आएगा डिवाइड बाय वन डिवाइड बाय टू वन एक्स की वैल्यू माइनस टू एंड माइनस वन दैट मीन्स फोर रोल्यूशन क्लियर दो ये हो गए दो ये हो गए तो कितना फाइनल आंसर इज फो नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व एक कर्व की क्वेश्चन है एंड द एट द पॉइंट ये पॉइंट दिए आपके पास सबसे पहले फॉर एंगल वी हैव टू फाइंड स्लोप तो स्लोप कैसे निकालते हैं इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स माइनस फाइव क्लियर तो आपको बताइए डीवाई वाई डी एक्स पॉइंट क्या दिए पहला दिया है आपके पास थ्री एंड टू एंड जीरो x की जगह माइनस फाइव तो दैट मीन्स माइनस वन लेट सपोज ये है आपका एम वन सिमिलरली डीवाई वाई डी एक्स जब आपके पास पॉइंट्स दिए है कितना थ्री जीरो तो ये आपका हो गया टू इंटू थ्री माइनस फाइव तो दैट मीन्स सिक्स माइनस फाइव इज वन तो ये आपका मान लीजिए ये स्लोप क्या है एम टू अब अगर आप देखिए एम वन और एम टू कित का मल्टीप्लाई अगर करती हूं तो माइनस वन इंटू वन विच इज इक्वल टू माइनस वन तो अगर आपके पास एम वन एम टू का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन है तो वी नो दैट थीटा कितना है या एंगल कितना है आपको पता है कितना होता है पाई बाय टू होता है क्लियर है नेक्स्ट देखिए अ पॉइंट इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर देन द दौंड्री ऑफ अ सर्कल इज वॉट सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स वेन पॉइंट कुड बी एनी वेयर विद इन रेडियस आर तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए आपको पता है एरिया क्या होगा आई आर स्क्र क्लियर सेकेंड आपका फेवरेबल

दैट मींस ये आपके कैंसल आउट तो फाइनल कितना आ गया प्रोबेबिलिटी वन बाय फोर तो वन बाय फोर इज फाइनल आंसर द वैल्यू ऑफ थीटा इन जीरो टू पाइस ऑस दैट ये दिया है इज अस्यूसमेट्रिक वी नो दैट फॉर्स क्यूस मेट्रिक डायग्नल जो होते आपके डायग्नल एलिमेंट्स आर जीरो फॉर्स क्यूस मेट्रिक दैट मीन्स ये जो आपके है ये वाला ए आई आई ठीक है इक्वल टू जीरो ए वन वन ए टू टू ए जीरो इक्वल होता है फॉर स्क्यूमेट्रिक तो नो दैट दिया ए वन वन साइन टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो तो टू साइन थीटा कितना हो जाएगा वन दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू वन बाय टू और साइन थीटा वन बाय टू तब होता है जब आपका साइन थर्टी होगा तो साइन थर्टी इज वन बाय टू तो थीटा कितना आ गया आपका थर्टी डिग्री और अगर आप सेकेंड से करेंगे सेकंड से भी चेक कर लीजिए टू कॉस थीटा रूट थ्री माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो तो दैट मीन्स टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाय टू और रूट थ्री बाय टू कब होता है जब कॉस थर्टी डिग्री होता है तो कॉस थर्टी डिग्री तो दैट मीन्स थीटा कितना आ गया आपका थर्टी डिग्री पूछा था फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट जो मैट्रिक्स आपके पास ये है स्क्यूसमीट्रिक तो वी नो दैट फॉर स्क्यूस मेट्रिक डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो तो ये अगर पता है तो आसानी से हो जाएगा अब थर्टी डिग्री कितना होता है आपका पाई बाय सिक्स होता है आज के लिए इतना ही डेली को अटेम्प्ट कीजिए और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे थैंक यू वेरी मच